इतने सारे चूहों को देखकर आप भी हो गए हैरान। घबराइए मत, इन चूहों से डरने की जरूरत नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग चूहों को देखकर डर जाते हैं और उन्हें गंदगी का प्रतीक मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चूहे किसी गंदे स्थान पर नहीं बल्कि एक पवित्र स्थल पर पाए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इन चूहों की पूजा होती है और ये किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। अब आपके मन में ढेरों सवाल उमड़ रहे होंगे, आखिर कौन सा ये पवित्र स्थान है, क्यों की जाती है इन चूहों की पूजा और क्या है इनके पीछे का रहस्य। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। ये चूहे बीकानेर के पास स्थित करणी माता के प्रसिद्ध मंदिर में है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि इन्हें चूहों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको हजारों की संख्या में चूहे देखने को मिलेंगे, जो बिना किसी डर के मंदिर के अंदर और बाहर घूमते रहते हैं। आखिर इन चूहों का इस मंदिर से क्या संबंध है? क्या ये कोई रहस्य है या फिर इसके पीछे कोई पौराणिक कथा छुपी है? चलिए जानते हैं इस अद्भुत मंदिर की असली कहानी। करणी माता, जिन्हें माँ दुर्गा का साक्षात अवतार माना जाता है, इनका जन्म 1387 ईस्वी में ऋघुबाई के रूप में एक शाही परिवार में हुआ था। विवाह के बाद उन्होंने सांसारिक मोहमाया से विमुख होकर तपस्वी का जीवन अपना लिया। कहते हैं कि एक दिन करणी माता की बहन के चारों बेटे एक बावड़ी में नहाने गए थे। उनमें से सबसे छोटे भाई की डूबने से मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बाद परिवारजन उसे करणी माता के पास लेकर आए और उनसे जीवन दान की याचना भी की। पहले तो माता ने कहा कि जो धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही होगा, लेकिन जब मृतक की पत्नी ने जोर देकर कहा कि माता करणी, आप तो चमत्कारी है और सब कुछ ठीक भी कर सकती है, तो अपने बेटे को जीवित क्यों नहीं कर रही हो, और मृतक की पत्नी बार बार बस माँ करणी को मनाने में लगी रही। कुछ समय बाद माँ करणी मान गई और वो इस बात पर अड़ गई कि अपने बेटे को अब जीवित देखकर ही रहेंगी। करणी माता यमराज के पास गई और अपने बेटे की आत्मा वापस मांगने लगी। यमराज ने पहले तो मना किया, लेकिन माता के अडिग रहने पर उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने बेटे की आत्मा ले जाती हो तो तुम्हारे वंशज मृत्यु के बाद चूहे बन जाएंगे और कभी मेरे पास नहीं आएंगे। करणी माता ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और अपने बेटे को जीवित भी कर दिया। तब से करणी माता के वंशज और भक्तगण मृत्यु के बाद चूहों के रूप में जन्म लेते हैं और इस मंदिर में निवास भी करते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर में हजारों चूहे देखने को मिलते हैं, जो यहाँ बिना किसी डर के रहते हैं, और मंदिर के भक्त भी इन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ देखते हैं। अब आपने तस्वीरों में एक सफेद रंग का चूहा भी देखा होगा, इनकी भी अपनी एक अलग कहानी है। कहते हैं कि इन सफेद चूहों को अगर कोई देख लेता है तो उसकी किस्मत भी बदल जाती है, और ये चूहे बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें बीकानेर के राजा गंगा सिंह भी शामिल है। और साथ ही साथ अगर बात करें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में जाने जाने वाले मुकेश अंबानी भी शामिल है। इस रहस्यमयी और चमत्कारी कथा के कारण करणी माता का मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए भी आते हैं। तो अगली बार जब आप इस मंदिर में जाएं, तो इन चूहों को करणी माता के वंशज समझकर ही उनका सम्मान करें। यदि आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी रोमांचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आ सकें।